अनुशासन के बिना कोई भी संगठन मजबूत नहीं रह सकता। मैं अंत में इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, दुष्यंत कुमार ने क्या खूब लिखा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन ये आग जलनी चाहिए। जी हाँ, जहाँ एक तरफ आलाकमान दिल्ली में गहलोत पायलट के झगड़े पर पानी डालने की कोशिशें कर रहा है, तो दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस के सिपहसालार बने काजी निजामुद्दीन की मौजूदगी में हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल हुआ यूं कि कोटा में कांग्रेस की बैठक चल रही थी और उसी समय उस बैठक में कार्यकर्ता धारीवाल जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। हालांकि थोड़ी देर बाद मामला शांत हुआ। दरअसल राजस्थान खादी ग्रामोद्योग उपाध्यक्ष पंकज मेहता कह रहे थे कि सरकार में बैठे लोग अगर सरकार की आलोचना करे तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। बस इसी बात को लेकर सह प्रभारी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने उन्हें टोकते हुए कहा कि आप ट्रैक से बाहर जा रहे हैं, जिसके बाद जमकर नारेबाजी हुई। कार्यकर्ताओं ने पंकज मेहता की बात का समर्थन किया तो वही काजी निजामुद्दीन कहते हैं कि राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर है, तो उसी बब्बर शेर की दहाड़ की तरह कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यक्रम, उनकी योजनाएं, नीतियों को जनता तक पहुँचाने का काम करे। आज यहाँ कोटा दौरा इस वजह से है कि मैं मुझको सह प्रभारी बनाया गया और ये ज़िला मुझे सह प्रभारी के रूप में दिया गया, तो मैं आज यहाँ हम लोग ज़िला कांग्रेस कमेटी के साथियों के साथ बैठेंगे। अन्य जिलाध्यक्ष जी मौजूद हैं और सभी कांग्रेस जन से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे ताकि मैं अपना परिचय दे सकूँ और उनका मैं परिचय ले सकूँ। तो एक परिचय के रूप में आप इस कार्यक्रम को लीजिए। साथ ही सचिन पायलट के सवाल पर काजी निजामुद्दीन बात को घुमाकर कहते हैं कि मामला प्रभारी के ध्यान में है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर है, तो अपनी उसी बब्बर शेर वाली दहाड़ के साथ कांग्रेस की योजनाओं को, कांग्रेस के कार्यक्रमों को, कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ाएं। आपको बता दें कि कांग्रेस आलाकमान ने रंधावा जी की मदद के लिए काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन और वीरेंद्र सिंह राठौड़ को सह प्रभारी बनाकर राजस्थान भेजा। इन तीनों सह प्रभारियों को वही काम सौंपा गया जिसकी जिम्मेदारी उठाने रंधावा खुद राजस्थान आए थे। अब तीनों प्रभारी अलग अलग जिलों का दौरा करके कार्यकर्ताओं और नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 26 मई को रंधावा की खुफिया रिपोर्ट में क्या तीनों सह प्रभारी अपनी रिपोर्ट भी सौंपेंगे। राजस्थान तक के लिए जयपुर से चेतन की रिपोर्ट।